तो आज की शाम राजधानी के लिए व्यस्त होगी क्योंकि यहां पर आज ओबामा आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के चेयरमैन और यूएस कांग्रेस को नजदीक से देखने वाले संजय पुरी से बात की हमारे संवाददाता उमा शंकर सिंह ने। मुंबई के बाद अब दिल्ली की बारी। बराक ओबामा के इस दौरे से भारत को कई सारी उम्मीदें हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय पुरी जी हैं, जो कि न सिर्फ यूएस कांग्रेस के साथ काफी नजदीकी से काम करते हैं बल्कि यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो है उसके चेयरमैन भी हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बात करने को। काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो बराक ओबामा है वो सिर्फ यहाँ पे व्यापार करने आए हैं, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आप दोनों तरफ के जो पहलू हैं उसको देख सकते हैं, आपको क्या लगता है? वेल, उनका आज दौर जो है शुरू है मुंबई में और मुंबई जो है वो व्यापार का शहर है, तो थोड़ी व्यापार की तो बात होगी, मगर अब जब दिल्ली आएंगे तो वहाँ बात होगी टेररिज्म की, वहाँ बात होगी अफगानिस्तान की, वहाँ बात होगी चीन की और ये सब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो यहाँ ये सब बातें होंगी। आप ओबामा को काफी नजदीक से जानते हैं, उनके साथ पॉलिटिकली भी जुड़े हुए हैं, कैसी शख्सियत उनकी है? अगर आप देखो कि प्रेसिडेंट ओबामा जिससे इंस्पिरेशन लेते हैं मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी, अगर आप उनके ऑफिस में जाओ तो महात्मा गांधी जी का फोटो है वहाँ, तो उनके पास बहुत कनेक्शन है इंडिया के, तो जब भी बात हुई है बोलते मेरे इंडिया से बहुत इमोशनल कनेक्शन है, बोलते मैं पहला प्रेसिडेंट हूँ जिसको दाल बनानी आती है, क्योंकि उनका रूममेट बांग्लादेशी था पहले, तो उनका इमोशनल कनेक्शन है और इंडिया आना चाहते थे और जानते हैं कि इंडिया का क्या रोल है, एक ही डेमोक्रेसी है सारे रीजन में अगर आप देखो, और तो इस मामले में आई थिंक प्रेसिडेंट ओबामा की काफी कनेक्शन है, इस ट्रिप से और ज्यादा जुड़ जाएगी ये कनेक्शन। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जहां तक लॉबिंग की बात है जिससे आप जुड़े हुए हैं, जो अमेरिकन फर्म्स हैं जो परमाणु रिएक्टर सप्लायर कल को हो सकते हैं, कितना ज्यादा उनका दबाव है, खासतौर पे भारत में जो न्यूक्लियर लायबिलिटी जो कानून बना है उसमें बदलाव के लिए, ताकि वो भारतीय कानून के दायरे से बाहर रह सकें और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सके। मगर अब तो ये लॉ बन गया है तो इसमें कोई फर्क नहीं डाल सकते, उनको थोड़ी एश्योरेंसेस दे सकते हैं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, मगर जो लॉ है जो कानून है वो कानून है। अब अमेरिकन कंपनीज के पास दो चॉइसेस हैं, या तो इस कानून को माने या बिजनेस ना करें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फ्रेंच कंपनीज ने बोल दिया, फ्रेंच जो है अरीवा और वो सब ने बोल दिया कि हम इंडिया में आने के लिए तैयार हैं इस लॉ के अंदर, तो इसका दबाव भी है यूएस की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर और खुद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। बिल्कुल दबाव जरूर है उनके ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि कई कंपनी फ्रांस और रशिया की रेडी है आने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो जैसा कि संजय पुरी जी की बात से जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे इरादे जो लेकर ओबामा यहाँ आए हैं शायद वो पूरी ना हो, और खासतौर पे जो विश्वव्यापी दबाव है भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का, उसके मद्देनजर अमेरिका उस तरह से जोर ना डाले, चाहे वो न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल का मसला हो या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारतीय की स्थायी सदस्यता का। तो इसी उम्मीद के साथ ओबामा का दौरा दिल्ली का आज शुरू हो रहा है और ये कल तक जारी रहेगा। दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।